नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com। लॉकडाउन का तीसरा चरण प्रारंभ हो चुका है और इस लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर आइए देखते हैं क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के नेता और हाथरस के नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा ने। देखिए, कोरोना महामारी को लेकर पूरा विश्व में इस समय संघर्ष चल रहा है। लोगों को दैनिक जीवन में आने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी द्वारा जिस तरह से संकल्प लेकर एक एक व्यक्ति की जान को लेकर बचाया गया है, एक एक व्यक्ति की जान को लेकर संघर्ष को तैयार और संघर्ष के लिए प्रेरित किया है, मैं यही शहर की जनता से कहना चाहूँगा कि यह एक महामारी का बहुत विषम समय है और अनावश्यक ना निकलें। आवश्यक कार्यों के लिए सरकार ने, प्रशासन ने छूट दी है, उतने ही कार्यों से निकलें। खासकर बच्चे और बुजुर्गों को घर से ना निकलने दें और आप लोग भी जितना पालन करेंगे उतने ही हम इस लड़ाई को अच्छे से जीतेंगे। नगर हाथरस इसमें पूरी तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहा है। मैं नगरवासियों को भी विशेष रूप से कहूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें और बेवजह सड़कों पर ना घूमें। यह लड़ाई अभी लंबी है और इसको, इस लड़ाई में रहकर ही हमको जीतना है और हमको अब सोशल डिस्टेंसेस हो, गमछा हो, मास्क हो, उसका बांधकर पालन करना है, सफाई का विशेष ध्यान रखना है और लोगों के बीच में यह भावना ना हो कि कहीं खाद्यान्न चीज़ किसी कमी है। कोई खाद्यान्न किसी प्रकार की कमी नहीं है। किसी प्रकार की कहीं कमी है तो आप हमें सूचना दें, उसका व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आप लोग लॉकडाउन का जितना आवश्यक है उतना पालन जरूर करें, मेरी हाथ जोड़कर विनती है। हाथरस एवं हाथरस के आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले जानने के लिए आप tv30india के एंड्रॉयड ऐप को अपने गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरों के लिए tv30india को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।